Hey there guys, hope you all are doing absolutely fine and staying safe. So guys, वीडियो का टाइटल देखकर तो आपको समझ ही गया होगा ये वीडियो किस बारे में होने वाला है. सो गाइज, अभी हम निकल चुके हैं, फिलहाल ट्रैफिक में अटके हुए हैं. हम जा रहे हैं दादर टायर इंस्टॉल कराने. और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है. ये टायर्स जो मैंने इस गाड़ी में इंस्टॉल करा रहा हूँ वो मैं खुद के पैसों से रोकड़ा देके इंस्टॉल करा रहा हूँ, मतलब कैश पे करके इंस्टॉल कर रहा हूँ. मैंने सोचा ये आपको बताना ज़रूरी है. दोस्तों, टायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट होते हैं आपकी गाड़ी का, बिकॉज आपकी गाड़ी को सभी जो एक वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है रोड से वो आपके टायर्स ही हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि आप आपकी टायर्स का बहुत ही अच्छे से देखभाल करें और अपने टायर्स मेंटेन करें. अभी करंटली मैंने एक्चुअली गाड़ी जब से आई थिंक सो 2017 में ही शायद ये गाड़ी परचेज़ की थी, तो 2017 से अभी 2022 तक मेरे सेम सेट ऑफ टायर्स चल रहे थे. सो टायर्स की मेंटेनेंस भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अगर आप चाहते हैं मैं उस चीज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि हाउ टू मेंटेन योर टायर, तो उसके ऊपर भी मैं एक बहुत अच्छा वीडियो आपको बना दूंगा और टिप्स उसमें बता दूंगा जिससे आप आपकी गाड़ी के टायर्स ज़्यादा चला सकते हैं. और ये वाले भी जो मैं टायर्स अभी गुडियर के इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसमें भी कंपनी बोलती है कि 50-60,000 तक आराम से चल जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम. बट मैं उन्हें अच्छा मेंटेन करूँगा तो आई एम श्योर 1,00,000 किलोमीटर तो मेरे टायर्स आराम से चली जाएंगे. वो ड्राइविंग स्टाइल और वो सब बाकी सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है. तो अगर आप उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं कि हाउ टू मेंटेन योर टायर प्रॉपरली टू गेट द मोस्ट लाइफ आउट ऑफ इट, तो वो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा. अभी चलते हैं जल्दी से और टायर्स इंस्टॉल करवाते हैं. सो गाइज, यहाँ पर हमारी इस गाड़ी में टायर इंस्टॉल हो चुके हैं और पिछली क्लिप से लेके इस क्लिप तक तकरीबन 2 महीने का समय गुजर चुका है और मैं इस गाड़ी को तकरीबन 3,000 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ. और अभी हम जानेंगे ये जो टायर मैंने इंस्टॉल किए हैं गुडियर के, इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है और फाइनली मैंने ये गुडियर के टायर ही क्यों चूज़ किए. तो चलिए सबसे पहले अभी हम बात कर लेते हैं गुडियर टायर के, बेसिकली इस टायर के डिसएडवांटेजेस के बारे में कि इसमें मेरे को क्या कमी लगी. और टू बी प्रिसाइज, ज़्यादा कमियां तो मैं इसमें नहीं निकाल पाया हूं, बट जो एक थोड़ी बहुत कमी मुझे लगी है दैट इज़ एक इसमें टायर नॉइज़ आपको हल्का सा इंक्रीज्ड मिलेगा. क्योंकि ये जो मॉडल है ये इसमें बेसिकली 2 मॉडल आते हैं, एक आता है साइलेंट ट्रैक और एक ये आता है नॉर्मल ट्रेडवेयर जिसको बोलते हैं. तो ये मॉडल में क्या है, जो इसके चंक्स हैं वो ज़रा मोटे से हैं और उसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा टायर नॉइज़ इसमें देखने मिल जाता है. बट इतना कोई ज़्यादा मतलब मेजर आपको समझ नहीं आएगा सिटी में, हाईवे पे हल्का सा आपको पता चलेगा, बाकी सिटी में इट इज़ परफेक्टली फाइन. अब क्योंकि इसका जो ट्रेड का पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ना पत्थर वगैरह लग जाते हैं और अटक जाते हैं बेसिकली. और कई बार अगर पत्थर जो हैं वो अगर ज़्यादा शार्प हो, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये पत्थर इसमें अटके हुए हैं, ये अगर कोई पत्थर ज़्यादा शार्प हो और आपके टायर की हवा कम हो तो शायद हो सकता है कि वहाँ से आपका पंचर हो जाए. जैसे आप अगर यहाँ भी देखें तो जैसे यहाँ पर पत्थर वगैरह अटके हुए हैं, अब ये तो चलिए छोटे से पत्थर थे बट अगर कोई पत्थर शार्प होता और टायर का प्रेशर नॉर्मल से कम होता तो हो सकता है कई स्पीड बम्प्स में या कहीं पे ये टायर पंचर हो जाते.
या उनमें एक छोटा सा लीक निकला था। अब इसके अलावा तो एज सच मुझे कोई दूसरे डिसएडवांटेजेस लगे नहीं, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैंने इस टायर को प्रॉपरली 3000 किलोमीटर चलाकर पूरी तरीके से इसका टेस्ट ड्राइव ले लिया है, तो आई एम इन अ बेटर प्लेस टू टेल यू द एडवांटेजेस। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है, दैट इज़ द कंपाउंड। इसके अंदर जो गुडियर वालों ने कंपाउंड यूज़ किया है, वो कंपाउंड जो है वो 100% सॉफ्ट कंपाउंड नहीं है, वो सेमी सॉफ्ट कंपाउंड है। जिससे आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी कहीं पर खड़ी रहेगी, या आप अपनी गाड़ी ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करते, एक ही जगह पे खड़ी रहती है, मे बी से फॉर अ मंथ और टू, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपकी गाड़ी है उसके जो टायर हैं वो ज़्यादा कड़क नहीं होंगे। क्योंकि अगर सॉफ्ट ट्रेड होते, 100% सॉफ्ट ट्रेड होते, तो उसमें टायर कड़क होने के चांसेस थे, बट क्योंकि ये सेमी सॉफ्ट है तो वो चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। सेकंड एडवांटेज है दोस्तों कि जैसा कि मैंने आपको पहला जो डिसएडवांटेज बताया था, इसके ब्लॉक्स, इन्हीं ब्लॉक्स की वजह से आपको ये सेमी ऑफ रोड अगर आप करें, या मान लीजिए जैसे गांव देहात की सड़क पर अगर आप ये गाड़ी चलाएं, तो उसमें आपको एकदम अच्छी ग्रिप मिलती है और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है ये टायर्स पे। जैसे कि मैं अभी हाल ही में नासिक गया हुआ था, और वहाँ पे थोड़ा बहुत एक ऑफ रोडिंग का, मतलब थोड़ा सा गांव देहात वाली सड़क थी और थोड़ा सा रफ़ रोड थी और लूज़ सॉइल थी उधर, तो वहाँ पर इसका ग्रिप वगैरह आपको बहुत ही बेहतरीन और उमदा मिल जाएगा। तो अभी एक ऐसा एडवांटेज है जो कि एडवांटेज से ज़्यादा आपकी एक डिसीजन इन्फ्लुएंस करने का ताकत रखता है, एंड दैट इज़ प्राइस। सो गाइस, ये जो टायर है जो प्राइस में आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं, दैट इज़ द अल्टीमेट बार्गेन। अभी अगर मैं इन पर्टिकुलर सेट्स की अगर बात करूँ, तो एज ऑफ 2 मंथ्स बैक ये मैंने इंस्टॉल किए थे तकरीबन गिव और टेक 42,000 के, एंड इसके ही अगेंस्ट अगर मैं कोई दूसरी कंपनी का, जैसे मान लीजिए योकोहामा ले लीजिए या ब्रिजस्टोन वगैरह ले लीजिए, तो वो 48,000-49,000 के आसपास आपको पड़ जाते हैं। और ये जो सब मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, दैट इज़ विथ एक्सचेंज ऑफ दी ओल्ड टायर्स। ये प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आपके ओल्ड टायर की क्या कंडीशन है उसके ऊपर से कई बार रेट वगैरह लगाया जाता है, तो डोंट कोट मी ऑन दिस। और हो सकता है कि प्राइजेज इतने ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आपको वो सेम प्राइस मिले या ना मिले, दैट इज़ नॉट अ गारंटी, बट जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया कि ये इतना आपको ये रेंज में मिल जाते हैं। इसमें तकरीबन आप ये पकड़ के चलिए कि जैसे आपको ऑलमोस्ट दूसरे ब्रांड से ये 15% या 20% के डिस्काउंट में आपको ये ट्रेडिशनली मिल जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसिडरिंग द बजट। एंड इसका एक और ही सबसे शानदार, सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज वो ये है, दैट इज़ द लाइफ लॉन्ग वारंटी। अभी लाइफ लॉन्ग वारंटी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप ये टायर देख रहे हैं, बेसिकली ये टायर के अंदर ना आपको यहाँ पर अगर दिख रहा होगा तो एक ये हल्का सा उठा हुआ है यहाँ पे, ये बेसिकली मेजर है। जब तक ये जो सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस, ये नीचे वाले सरफेस तक टच नहीं हो जाता ना, ये टायर की लाइफ होती है। ये बेसिकली इंडिकेटर होता है आपके टायर के लाइफ का। तो अगर ये यहाँ से अगर आप देखिए, यहाँ से आपको समझेगा, इतना रबर जब तक आपका टच नहीं होता है तब तक ये टायर आपका वारंटी में है। सो इस वारंटी में क्या हो जाता है, ये अनकंडीशनल वारंटी आपको इसकी मिल जाती है। कभी मान लीजिए टायर में बबल्स आ गए, या कई बार क्या होता है कि जो टायर के साइड वॉल्स होते हैं उनमें क्रैक्स बढ़ जाते हैं, तो ये सब चीज़ वारंटी में कवर होती है एज़ पर गुडियर एंड एज़ पर द वेंडर हु हैज़ प्रोवाइडेड मी दीज टायर्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब, फैक्टर था जो मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया। सो गाइज, ये था पूरा रिव्यू गुडियर टायर का, और मैं तकरीबन इन्हें 3000 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ और 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये टायर। बहुत ही अच्छे वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन आपके लिए बनाते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन वारंटी आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड कोई भी चीज़ जैसा कि आप जानते हैं 100% परफेक्ट तो नहीं होती है, बट देन टू दीज आर वेरी गुड। सो गाइज, ये था वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर ये आपको वीडियो पसंद आया और आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। विद दैट सेड, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन आउट। दिस इज विनय साइनिंग ऑफ। नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।